का नाम जो मैंने दिया है उसका नाम है बेसिक क्लास। इससे पहला जो लेक्चर हुआ है उसका नाम है बेसिक क्लास। आज का जो सेशन है वो है एडवांस बेसिक क्लास। क्या बोला मैंने? एडवांस बेसिक क्लास। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा एडवांस बेसिक क्लास। लगभग चार घंटे के बाद मैं बच्चों को समझती हूँ कि मैं उन्हें कोई चैप्टर पढ़ा सकती हूँ। चार घंटे का बेसिक लेक्चर लेने के बाद ऐसा मुझे फील होता है कि अब मैं जो पढ़ाऊंगी वो आपको समझ आएगा। तो आज हमारी कौन सी वाली क्लास है? एडवांस बेसिक। क्या है? एडवांस बेसिक। चलिए तो हम एडवांस बेसिक क्लास की ओर चलते हैं और हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। अगर कंपनी एक्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि जैसे हम कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं तो आज के डेट में जो कंपनी एक्ट है वो कौन से ईयर वाला है? तो वो है 2013। कौन से वाला था? उसके अंदर टोटल कितने सेक्शन है मैम? 470 सेक्शंस हैं। मैम आप पुरानी बातें भी बताओगे क्या? मैंने पता क्या कहा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर। नहीं, एक बच्चा कहने लगा नहीं मैम बताओ इससे पहले कौन सा एक्ट आया था। मैंने कहा जी इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। उसके अंदर बच्चों थे मात्र 620 सेक्शंस, मात्र 620 सेक्शंस। ओके, लेकिन अभी घटकर कितने हो गए? 470, 470 सेक्शन। और सेक्शन के अंदर हमें रूल्स भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बच्चों जी? मैम जी रूल्स तो हम जानते ही नहीं क्या होता है। रूल्स में क्या होता है बच्चों कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको बताना जरा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है वो एक्ट के अंदर दी गई है कि जहां जहां प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज होगा। क्या बोला मैंने जरा बता दो एक बार जल्दी से? जहां जहां प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज होगा वहां पर पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब प्रिस्क्राइब की जगह उन्होंने कह दिया जी जाओ जाओ जाओ, किससे पूछ के आओ? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर बनाती है रूल्स। क्या बनाती है? रूल्स। मतलब हमें सेक्शन के साथ और क्या क्या पढ़ने हैं? रूल्स भी पढ़ने हैं। रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस इज मेड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी, रटने वाले बच्चे ध्यान दे, रूल्स आर मेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन इज मेड बाय दी रेगुलेटरी बॉडी। मैम कोई एग्जांपल है आपके पास? यस, व्हाई नॉट। जैसे कि सेबी, आपने नाम सुने? सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। सेबी इज अ, जो कि क्या बनाती है? रेगुलेशन। क्या बनाती है? रेगुलेशन। ओके मैम, पूरे कंपनी एक्ट के अंदर 29 चैप्टर हैं। मतलब एंटायर कंपनी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। एंटायर कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। मैम सांस नहीं आ रहा, पलट के सांस लीजिए, सांस लीजिए। खुशी की बात यह है कि आपको 470 सेक्शन सारे नहीं पढ़ने हैं। आपको एंटायर 470 सेक्शन एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं पढ़ने हैं। बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं लेंगे। इट मीन्स आपको यहाँ पे हाफ सेक्शंस पढ़ने हैं और उसके बाद वाले सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। सीएस प्रोफेशनल, मर्जर, अमालगमेशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, तमाम चीजें जो हैं आप पढ़ोगे सीएस प्रोफेशनल में। मैम हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या आप हमें बता सकते हो? क्या आपको याद है? जी मुझे बिल्कुल याद है। और मैं आपको यहां पे, इस क्लास की खास बात ये होगी कि आप बड़े सारे सेक्शंस भी याद करोगे और सेक्शंस आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। टिप्स पे, कैसे टिप्स पे याद हो जाएंगे वो हमारी है अपनी टेक्निक, हम आपके साथ करेंगे डिस्कस। लेकिन उससे पहले हम यहां पे कंपनीज एक्ट के अंदर जो टोटल 470 सेक्शंस है साथ में हमें रूल्स भी पढ़ने हैं। और रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेड्यूल्स भी पढ़नी है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है मैम? शेड्यूल का मतलब होता है जहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखी जाती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कंपनीज एक्ट में ही काम आती है। कंपनी एक्ट के टोटल 7 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 7 शेड्यूल्स है। शेड्यूल का मतलब कुछ इस तरीके से समझिए जैसे घर के अंदर स्टोर रूम होता है और भाई बहनों स्टोर रूम के अंदर एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है। इसी प्रकार से कंपनीज एक्ट के साथ जोड़ दिए गए हैं क्या? शेड्यूल्स, जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से समय आने पे हम वहां पे यूज कर सकते हैं। कितने शेड्यूल है जरा बताना? 7 शेड्यूल से जगह जगह पे हमें वो 7 शेड्यूल का प्रयोग करना है। इट मीन सिर्फ हमें सेक्शंस नहीं पढ़ने, सेक्शंस के साथ हमें पढ़ने हैं रूल्स, हमें पढ़ने हैं शेड्यूल्स। इसके अलावा हमारे पास जो भी नए नए नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स हमारे पास आएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको भी हमें गो थ्रू करना है, उन्हें भी हमें पढ़ना है। उसी के साथ साथ हमारी सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार का रूल्स में कोई अमेंडमेंट लेके आती है तो वो अमेंडमेंट्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। मैम क्या नहीं पढ़ना बस ये बताइए, प्रोफेशनल कोर्स में आपको जुगाड़ करवा दीजिए
दीजिए और हमें इम्पोर्टेंट बता दीजिए ताकि हम पढ़ के बन जाए सीएस। मैंने कहा सीए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो छोड़कर जाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल कोर्स में। जो भी आप छोड़कर जाओगे वो सबसे ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्रक्स क्या हुआ, यहाँ पे हम कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ सकते। पहले दिन की मेरी यही बात होगी। अब एक बच्चा बोला मैम जी आप मैम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा क्यों, कि आपने तो वीडियो डाल रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैम क्लास के टाइम पे, वो बाद की बात है, जब आप पेपर देने जाओगे वो तब की बात है। एक बच्चा कह रहा है मैम जी इसका मतलब आपकी सेटिंग ऐसी है। भैया जी मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ मेंबर हूं, एक बहुत आम इंसान हूं, बस भगवान की कृपा है और आपका सबका विश्वास है। तो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम बाद में, जब आप सीधा जाओगे कहां पे एग्जामिनर रूम में, वहां से बुला के मैं आपके कान में बताऊंगी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कमरे पढ़ के जाना, ऐसे करके तब पढ़ेंगे। इट मींस अभी के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक लेवल, यही एक स्टेज है जहां मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हूं और सीखने के बाद आप बन सकते हो एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी। गॉट द पॉइंट एवरीबडी, आर यू रेडी? ओके मैम। अच्छा जी मैम, आप ये बताइए मैम जी, आप मैम जी ये बताइए, हमने ना एक बात सुनी है। मैंने कहा क्या, कि मैम जी जैसे सेक्शन है मैम, जैसे कैसे स्टार्ट होंगे थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं? मैं बिल्कुल बताऊंगी। ये जो टोटल 29 चैप्टर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, आपको 29 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। क्यों नहीं पढ़ने हैं? इसलिए नहीं पढ़ने हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको कुछ और चीज दिखाती हूँ, आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और आपको मजा सा आ जाएगा। मजा सा आ जाएगा जी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। बस एक सेकेंड का इंतजार करिए और मैं आपको मजेदार चीज दिखाती हूँ कि आपको क्यों नहीं पढ़ने एंटायर 470 सेक्शन। इसके बाद ये है कि आपको इसलिए नहीं पढ़ने, आप देखिए धीरे धीरे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ओके चलिए जी, चलिए जी, ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ये है आपका सिलेबस। अभी सिलेबस मैं नहीं पढ़ा रही, अभी एडवांस बेसिक क्लास पढ़ाऊंगी, पहले आपका बेस और एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगी, लेकिन सिर्फ देख रहे हैं हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और पता है बच्चों, पता है, हम सेक्शंस भी देखेंगे इसके साथ साथ, है मैम? हाँ, सच्ची सच्ची मुच्ची। देखिए इधर, ये है आपके चैप्टर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है और कंपनी की क्या क्या फीचर्स होती है। अगर सेक्शन की बात करें, अगर बच्चों सेक्शन की बात करें तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में हम कह सकते हैं, सेक्शन में हम कह सकते हैं कि बेटा यहां पे सेक्शन नंबर टू, सेक्शन नंबर टू का काफी बड़ा रोल होगा, है मैम? हाँ हाँ जी, सेक्शन टू का काफी बड़ा रोल होगा। मैम याद कराओ, याद कराओ बच्चों, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, एंटायर डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन टू। बताइए कौन से सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, जरा बताइए। एंटायर डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर टू। जैसे ही मैं बोलू कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होगी, बताइए जल्दी से, कंपनी की डेफिनेशन की बात होगी कौन से सेक्शन टू, है मैम? हाँ। अच्छा तो खाली टू ही होगा? नहीं जी नहीं, उसके बाद एड होगा क्लॉज 20। क्या ऐड होगा जरा बताना, क्लॉज 20। मैम क्लॉज 20 ऐड होगा? हाँ जी बिल्कुल, क्लॉज 20 ऐड होगा। मैम जी एक बात बताएं, मैम जी हमें तो मैम जी क्लॉज का मतलब पता ही नहीं है मैम। अरे मैं बताऊंगी आपको, आगे चल के भी समझाऊंगी, लेकिन अभी जस्ट वैसे बता रही हूं, जैसे सेक्शन टू क्लॉज 20 है तो उसके अंदर क्या डिफाइन है, कंपनी। तो कंपनी के एक्ट के अंदर जितनी भी तमाम डेफिनेशन है कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है, सेक्शन नंबर टू। जैसे कि कंपनी की डेफिनेशन हमने क्या बोली, सेक्शन टू क्लॉज, आवाज नहीं जोर से बोली, सेक्शन टू क्लॉज 20। इट मींस कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है, जीरो टू हीरो बनने के लिए। क्या बोला मैंने जरा बताना, जीरो टू हीरो, तो टू जीरो टू, आवाज नहीं जोर से बोलिए, टू जीरो, आवाज नहीं जोर से बोलिए, टू जीरो। ओके, तो सेक्शन टू क्लॉज 20 के अंदर क्या डिफाइन है, कंपनी डिफाइन है। लेकिन मैम हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं मैम जी, मैम जी फिर सेक्शन सब सेक्शन, मैम जी फिर क्लॉज के बीच में क्या अंतर हुआ, ये तो हमें आता ही नहीं है। प्लीज कृपया करके आप हमारे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना, क्योंकि हम बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे। अच्छा ठीक है जी, तो हम इनके बीच में अंतर करेंगे, क्लॉज सब क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन क्या होता है, इट मींस एंटायर सेक्शंस का स्ट्रक्चर हम समझेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं बोलू सेक्शन टू क्लॉज 20, कभी मैं बोलूंगी सेक्शन 96 सब सेक्शन टू, या सेक्शन 96 सब क्लॉज टू, या प्रोविजर टू, या एक्सप्लेनेशन, वट एवर भी। इसीलिए मैं आपकी ये क्लास ले रही हूं जिसका नाम क्या है, एडवांस बेसिक क्लास। तो बताइए डेफिनेशन सारी की सारी किसमें डिफाइंड है,
वैसे कंपनी एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 470 सारे पढ़ने के अंदर नहीं, इट मीन्स आप देखिए पहला चैप्टर हमारे सामने होगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर कंपनी का इंट्रो पढ़ेंगे, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे काम करती है। ओके जी, कंपनी की पावर्स कहां पर होती है, कोई बच्चा बता सकता है कंपनी की पावर्स कहां पर होती है? कंपनी की पावर्स कहां पर डिफाइन होती है? तो छोटी क्लास का प्रश्न है जी, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, जय माता दी, मेरे क्लास में इस बार बहुत सुपर ब्रिलियंट बच्चे आ गए हैं, क्या बात है। कहां पर होती है, चलो बोल दो जोर से, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की पावर्स होती है, क्या होती है, कंपनी की पावर्स होती है। और एमओए कौन से सेक्शन में? मम्मी ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं बेटा, कोचिंग बहुत महंगी खुलती है यहाँ पे, कोचिंग नहीं खोलना सीएस बनने के बाद। ओके, इट मींस अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट की, तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 4। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? शार्प। इसका मतलब सेक्शन नंबर 4, फिर से बताइए, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? है ना, तो इट मींस सेक्शन नंबर 4। ओके, मेमोरी प्लस रेंडमली, मेमोरी प्लस रेंडमली, इट मींस चारों दिमाग लगाकर मेमोरी होती है शार्प, इसलिए सेक्शन नंबर 4। ओके जी, जहां जहां, और भैया जी वाह वाह कर रहे, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? अच्छा सुनो, अब यहां पे पावर दिया है, अगर कंपनी कोई भी एक्ट औकात से बाहर जाके करेगी, किससे बाहर जाके, क्या बोला मैंने, औकात से बाहर जाके, औकात कहां पे डिफाइन है? एमओए, तो उसे मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी, जी हाँ बिल्कुल, उसे नल एंड वॉइड ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? वॉइड ऑफ इनिशियो, बोलेंगे ए शुरू से ही खराब, शुरू से ही खत्म, शुरू से ही बकवास, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों कहां पर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। उसी के साथ चैप्टर नंबर 2, लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, मैम इसका मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी, इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, इसमें हम पढ़ेंगे डोरमेंट कंपनी। ओके मैम, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, एमओए एंड एओए, फिर हम पढ़ेंगे शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, फिर हम पढ़ेंगे मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, फिर हम पढ़ेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट, फिर हम पढ़ेंगे चार्ज, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिटर, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, और ये सारे 12 चैप्टर है। मैम टोटल कितने चैप्टर कंपनी लोग के अंदर? मात्र 19 चैप्टर। ताली बजाओ इस बात पे, जोरदार जोरदार तालियां, ऐसे न जोरदार तालियां भाई साहब, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। इट मीन्स मात्र 19 चैप्टर हमें पढ़ने, कुल 19 चैप्टर। ओके मैम, हम बेताब है पढ़ने के लिए, मैम आप पढ़ा दीजिए बस। अच्छा जी, ठीक है जी, आई डोंट नो, हाँ ये नहीं बताने, अब ये सब सारे बच्चे डर जाएंगे, सुनिए ध्यान दीजिए। अब इट मींस अब हमें ये भी बात समझ में आ चुकी है आज की क्लास में, कि हमारा जो पेपर 100 नंबर का है, उस 100 नंबर को हमें कितने चैप्टर्स में पढ़ना है जरा बताना? कुल 19 चैप्टर, मात्र 19 चैप्टर। मैम आप इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले जो चैप्टर बहुत ज्यादा थे और अब कम किए, मैंने फोन मिलाया था, मैंने देखो जी चैप्टर कर दो कम, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं परेशान, इसकी भरपाई हम और दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है। तो 19 चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हमें करने हैं। अब हम आगे चलें अगर, तो अब हमें यह समझना होगा कि कंपनी जो है उसके अंदर सेक्शन सब सेक्शंस क्या होते हैं, ये लाइक सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, इसका मैम थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर समझाइए, क्योंकि जब हम मैम पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, आप हमें सेक्शन बोलोगे सब सेक्शन बोलोगे तो हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज कृपया करके हमें क्लैरिफाई करिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सेक्शंस का स्ट्रक्चर अगर हम समझे, तो सेक्शन नंबर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 3। मैम एक बात बताइए मैम, क्या थोड़ा बहुत पहले आपने कभी जिंदगी में लॉ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, लॉ थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या? उसके अंदर सेक्शन आपने पढ़ा है बेटा? नहीं पढ़ा? ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, सीएसडब्ल्यूटी करी है? ऐसा नहीं सीएसडब्ल्यूटी पे एग्जीक्यूटिव है, है? तो आपने लॉ नहीं पढ़ा, कतई भी नहीं पढ़ा, जीरो, थोड़ा सा यहीं से पढ़े हो आप, तभी तो नहीं पढ़ा आपने। सुनो अब मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, अब आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छी जगह आ गए हो, हाँ थैंक यू बोलो,
वेलकम। चलिए जी, अब देखिए, अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए सब क्लॉज 3। सबसे पहली चीज मैम, हमें आप एक बात, एक रूल समझाइए कि जैसे मैं हम मान के चलिए मैम सेक्शन है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेक्शन है, तो मैम सेक्शन के जस्ट बाद ये सबसेक्शन आ गया मैम। जैसे आपने कहा सेक्शन 15, ऐसे एग्जाम्पल लिया मैंने, डमी एग्जाम्पल है सेक्शन 15 सबसेक्शन 6, राइट। लेकिन मैम आप एक बात बताइए, अभी जस्ट आपने हमें कंपनी लॉ की, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई है, तो मैम उसमें आपने बोले सेक्शन 2 क्लॉज 20। मैम हमारा तो दिमाग घूम गया, कहीं तो आप क्लॉज यूज करोगे, कहीं आप सबसेक्शन यूज करोगे, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है? मैंने कहा बेटा लॉजिक है, इसी चीज के तो पैसे है, नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं। तो समझो जरा ध्यान से, सेक्शन होता है, सेक्शन के जस्ट बाद होता है सबसेक्शन, पहले सेक्शन होता है और सेक्शन के जस्ट बाद क्या होता है सबसेक्शन होता है, क्लियर? आप समझते हैं, सबसेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको यह देखना होगा कि जहां पे डायरेक्ट कनेक्शन है, फिर से सुनना, जहां पर डायरेक्ट कनेक्शन है सेक्शन के साथ वहां तो सबसेक्शन यूज किया जाता है, और जहां कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहां क्लॉज यूज किया जाता है। मैम जो सच्ची बताए भगवान कसम समझ नहीं आई आपकी बात, मैं दोबारा समझाती हूँ, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ सेक्शन नंबर 96, और जो बच्चा शायद मेरी पहली बार क्लास देख रहा है, यहाँ बच्चे जो CSEET पढ़ के हैं बहुत एडवांस बच्चे हैं, एडवांस बच्चे हैं, और उन्हें AGM के बारे में पता है, शायद आपने सबने पढ़ा होगा AGM, क्योंकि CSEET में पढ़ाया जाता है। तो सेक्शन नंबर 96 के अंदर AGM है, AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग है, ओके जी बच्चों। अब जब हम सेक्शन नंबर 96 की बात करते हैं और AGM की बात करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं, तो उसमें सेक्शन 1 भी है, सब सेक्शन 2 भी है। तो वहां पे एक सेक्शन कहता है AGM किसे करनी है, AGM कहां करनी है, कितने दिन में करनी है, कैसे करनी है, क्या टाइम होगा, ये सारी चीजें सब सेक्शन 2 में भी इसी तरीके से बातें हुई है। मतलब कनेक्टेड टू क्या है, AGM कनेक्टेड टू क्या है, सेक्शन 96 रिलेटिंग टू AGM और उसके सब सेक्शन जो है वो कनेक्टेड टू द AGM। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे 96 पूरा सेक्शन किसका है, AGM का, और उसके सबसेक्शंस डायरेक्टली किसकी बात करेंगे, सिर्फ AGM की, सिर्फ किसकी बात करेंगे, AGM। लेकिन वही अगर हम सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर 95 डेफिनेशंस हैं, और 95 डेफिनेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट की है, जैसे A4 एवरेज प्रोस्पेक्टस है, 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, 3 4 5 ऐसे करके 95 है। तो कहीं पर एवरेज प्रोस्पेक्टस डिफाइन है, कहीं पर आपका अकाउंट्स डिफाइन है, कहीं पर आपका क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस डिफाइन है, कहीं आपकी कंपनी डिफाइन है, कहीं आपका फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन है, कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइन है, कहीं डायरेक्टर डिफाइन है, कहीं आपका एनुअल कैलेंडर ईयर डिफाइन है, कहीं पर आपकी कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन है। इट मींस तमाम शब्द जो कंपनीज एक्ट के अंदर हम यूज करेंगे वो सेक्शन 2 में दे रखे हैं, और इसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। अगर आपकी नॉलेज एनहेंस करूं मैं तो इसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट करते हुए हमें इस सेक्शन का एक अहम रोल होता है सेक्शन 2 का, क्योंकि जो वर्ड हम उठाते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो सेक्शन 2 से हम लेते हैं, कहां से लेते हैं, तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इंटरप्रेट करते हैं हम इसे, जो कि हर एक एक्ट में। अब मेरा क्वेश्चन ये है मैम, आप एक बात समझा दो लाइव वाले बच्चे, हाँ जी लाइव स्टूडेंट्स, जो लाइव में जुड़े हुए बच्चे हैं, कैसे हो बच्चों, हाय, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, कुछ नहीं लिखना, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं, जब मैं आपसे कहूं जी लिखना है तो आपको लिखना है, और जब मैं नहीं बोलूं नहीं लिखना है तो आपको नहीं लिखना है, तो अभी आपको नहीं लिखना है, ओके। चलिए अब देखिए इधर, हाँ जी समझते हैं अगली बात। हमने कहा मैम, जैसे कि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं सेक्शंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखा जाए तो सीएस कोर्स के अंदर सीएस की एक अहम, लॉ की एक अहम भूमिका है, और अगर आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं आती तो इसका मतलब आप क्या लॉ पढ़ रहे हो। तो लॉ को पढ़ने के लिए इंटरप्रिटेशन करना बेहद जरूरी है। मैम व्हाट डू मीन बाय द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कानून को पढ़ना, सही ढंग से पढ़ना। जैसे कि मैम कोई एग्जाम्पल देके बताना कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ और उसका मुझे आप रिप्लाई करना। मैंने कहा जी डॉग काउ गॉट एक्सेट्रा, मैंने कहा जी डॉग काउ गॉट एक्सेट्रा, तो बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताइए एक्सेट्रा में क्या लिखेंगे। ए भैया जी लाइव में जो बच्चे ना सबको रिप्लाई करना है रे, हाँ जी मैंने कहा डॉग काउ एक्सेट्रा, अब बताओ एक्सेट्रा में क्या लिखें।
आप, मुझे लगता नहीं आप CSEE 8 पास करके आए हो, आप तो ज्यादा एडवांस लग रहे हो भाई। एग्जीक्यूटिव एक बार पढ़ तो नहीं लिया तुमने? नहीं पढ़ा, पक्का पहली बार आए हो, बहुत अच्छी बात है। तो इट मीन्स, आप सुनिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही इनका दिमाग चल रहा है बच्चों का। इन्होंने कहा जी डोमेस्टिक एनिमल्स, क्यों कहा इन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स? इन्होंने यहाँ पे लॉयन क्यों नहीं बोला, इन्होंने यहाँ टाइगर क्यों नहीं बोला, इन्होंने यहाँ पे एलिफेंट क्यों नहीं बोला, है ना, इन्होंने यहाँ पे छिपकली क्यों नहीं बोली, लिजार्ड। हाँ यहाँ पे क्योंकि मैंने काउ डॉग की बात करी है, गॉट की बात करी है और एक्सेट्रा लिखा, इट मीन्स यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इट मीन्स ये सारी चीजें भी हमें आगे चल के इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक चैप्टर उसमें पढ़नी है, ठीक है। अब हम फिर दोबारा से वापस आते हैं और हम पढ़ रहे हैं सेक्शंस का स्ट्रक्चर। अब ये बताइए आपको कहीं पर तो पढ़ना होगा सेक्शन 2 क्लॉज और कहीं पढ़ना होगा सेक्शन के बाद डायरेक्ट सबसेक्शन। तो सेक्शन के बाद डायरेक्ट सबसेक्शन कहां पढ़ेंगे? जहां डायरेक्ट कनेक्शन होगा। जैसे हमने कहा जी सेक्शन नंबर 96, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, आपको बेयर एक्ट दिखाती हूँ। बेयर एक्ट मैम जी, बेयर एक्ट जी बिल्कुल, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको आज बेयर एक्ट दिखा दूं। मैम आप बता सकते हो मैम बेयर एक्ट का हमें क्या करना है? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, बस घर पे रखना है और उसे देखते रहना है और उसमें कहना क्या खूबसूरत हो, बड़े सुंदर दिखते हो, बस यही गाना गाना है बेयर एक्ट को देख देख के। ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है और आप इसके लिए गाना गा दो। क्या, कौन सा गाना है वो, क्या आप खूबसूरत हो बड़े सुंदर दिखते हो, ऐसी है ना कोई गाना, कौन सा जरा बताना। लड़की को तो गाना पता होगा, मैम जी हमें नहीं पता, मैम जी हमें तो वो पता है कौन कौन से गाने चलते हैं आजकल, कौन कौन से गाने आते बताना जरा। आपने गाना सुना कोलावेरी डी, इंटरप्रिटेशन करने इसका मतलब क्या, कोलावेरी डी इंटरप्रिटेशन। मैम जी हम तो आजकल ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं जैसे कि कल्लो वेल्ला वाला सॉन्ग है मैम, कल्लो है, कल्लो सॉन्ग सुना है आपने? नहीं सुना है, चलिए कोई बात नहीं, हरियाणा किसी शादी में जाओगे तो कल्लो सॉन्ग चलो इस टाइम बहुत फेमस चल रहा है। खैर इधर देखिए आ जाइए, अरे आंखों का काजल सुना है, आंखों का काजल ये तो सुना है आपने, फेमस है। ओके चलिए वापस आ जाइए, इधर आ जाइए, देखिए स्क्रीन पे जो आपको सामने नजर आ रहा है ये है आपका ऑनलाइन बेयर एक्ट। ऑनलाइन बेयर एक्ट मैम व्हाट डू मीन बाय द बेयर एक्ट, क्या होता है बेयर एक्ट? एक्चुअली बेयर एक्ट की अगर हम बात करें, बेयर जो ओरिजिनल पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किया है वही होता है बेयर एक्ट। और हमें यहाँ पे बेयर एक्ट भी पढ़ना सीखना है और बेयर एक्ट से पढ़ने का जो मजा है ना वो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम बेयर एक्ट से इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, किस तरीके से बेयर एक्ट को पढ़ा जाता है समझा जाता है। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये बेयर एक्ट है और इसके अंदर आपको चैप्टर्स नजर आ रहे होंगे और आपने देखा मैंने आपको बताया कितने चैप्टर टोटल 29 चैप्टर्स आर देयर। मैम बहुत छोटा नजर आ रहा है, चश्मा लगा के दिखा नहीं दे रहा। ओके ठीक है जी, लो पढ़ा देख लो, ये देखो ऐसे करके टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 29 चैप्टर्स आर देयर। ओके सपोज मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे मैंने चैप्टर खोला अकाउंट्स, कौन सा चैप्टर खोला, एग्जांपल दे रही हूँ पढ़ा नहीं रही। अब अकाउंट्स में मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर 128 है और सेक्शन 128 कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी, क्या लिखा है बताना जरा। इससे आप क्या समझे, इसका मतलब सेक्शन 128 जो है वो किसका है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है, यस और नो? जो भी बात बोलेगा किसके बारे में बोलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट किसे बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखने हैं, कितने दिन में रखने हैं, जगह कौन सी होगी, जगह चेंज करोगे तो कैसे बताया जाएगा, क्या मेथड होगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग होगा, एक्यूरल मेथड होगा, ये तमाम चीजें आपको पता चलेंगी सेक्शन नंबर 128 के अंदर। कहां पर पता चलेंगे जरा बताना, सेक्शन नंबर 128 के अंदर। क्लियर या ऑल क्लियर, 100%? चलिए जी अब मैं इसे खोल देती हूं, ये देखिए ये आया सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 1, छोटा सा नजर आ रहा होगा ना, बहुत छोटा सा सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 और उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा सेक्शन 128 सबसेक्शन 2। अभी मैं सिर्फ सेक्शंस का स्ट्रक्चर सिखा रही हूं बिकॉज दिस इज अ एडवांस बेसिक क्लास, ताकि कल को जब मैं आपको सेक्शंस पढ़ाऊं तो मुझे छोटी छोटी बातें ना समझानी पड़े, बेस क्लियर कर रही हूं। तो आपने देखा सेक्शन नंबर 1 के बाद आया इसमें सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, लेकिन बीच में मजेदार एक पॉइंट आया होगा बच्चों, ये प्रोवाइडेड नजर आ रहा है कहीं, प्रोवाइडेड लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रोवाइडेड नजर आया, प्रोवाइडेड हाँ जी दिख रहा है बच्चों, प्रोवाइडेड इट मीन्स जैसे आपने देखा सबसेक्शन 1 है और एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्टिंग जो हुई है वो किससे हुई है, प्रोवाइडेड, इसे बोलते हैं प्रोविजो, क्या बोलते हैं, एंड प्रोविजो इज जस्ट एन एक्सेप्शन ऑफ सबसेक्शन। मैम सच बताएं
दिल पे हाथ रख के कह रहे, बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा सुनो। यहां पे प्रोविजन लिखा है ना, प्रोवाइडेड लिखा है ना। अच्छा बताइए, पहले क्या होता है सेक्शन, फिर क्या होता है सेक्शन के बाद क्या होता है सबसेक्शन, और सबसेक्शन दो सबसेक्शन के बीच में क्या आया प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब है प्रोविजो, क्या है मैम सिंपल भाषा में समझाओ ना मैम जी, मैं बताती हूँ। आपने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी कि हाँ मुझे आज घूमने जाना है, मम्मी ने कहा चला जा घूमने, चला जा बेटा, जा तो सकता है लेकिन दिल्ली के अंदर। अब सुनो दोबारा से, अब लॉ की, अब जैसे कोई किसी की मदर लॉ पढ़ाती है तो वह कैसे बोलेगी, बेटा यू मे गो प्रोवाइडेड दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे, आप घूमने जा सकते हो। अब जैसे हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे, आप घूमने जा सकते हो प्रोवाइडेड दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे, ये क्या हुआ? हाँ बताइए क्या हुआ। अब सुनो अगली बात, आप अगर दिल्ली के, अब देखो आप घूमने जा सकते हो प्रोवाइडेड, अब सुनना अगली बात, प्रोवाइडेड दिल्ली के अंदर मेरे से पूछ के, और दिल्ली के बाहर जा रहे हैं तो फादर से पूछ के, ये क्या हुआ एक्सेप्शन हो गया ना। पहले क्या कहा घूमने जा सकते हैं, फिर घूमने पे क्या लगाई, अगर दिल्ली के अंदर है तो, और अगर दिल्ली के बाहर जाना है, एक्सेप्शन हो गया ना। तो देखिए इट मींस, अब हमें एक बात और नहीं समझ में आ गई, एक तो होता है सेक्शन, एक होता है सबसेक्शन, एक होता है प्रोविजो, यस और नो, क्या होता है, एक होता है मैम क्लॉज, एक होता है सब क्लॉज, और अभी हम और पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए अब हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है मैम, क्या समझ में आ चुकी है, अच्छा बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है या टफ लग रहा है, मजा आ रहा है या टफ लग रहा है, जल्दी बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है टफ लग रहा है। मैम जी आपके सामने कैसे बोले टफ लग रहा है, आप तो पढ़ाओगे, हाँ मैं पढ़ाऊंगी। तो सुनो ध्यान से, सेक्शन की बात क्या होता है, क्या दो सबसेक्शन के बीच में प्रोविजो आ सकता है, जहां पे लिखा हो प्रोवाइडेड, क्या लिखा हो प्रोवाइडेड, इट मींस जब भी कभी प्रोवाइडेड आए तो उनकी बात को आपको कंसिडर करना है। पहले बोलेंगे आप ये काम कर सकते हो प्रोवाइडेड अगर ये कंडीशन सही ने पूरी करके, तो इट मींस एक्सेप्शन आ जाएगा मेन प्रोविजन का, क्या आ जाएगा एक्सेप्शन। आगे देखिए फिर क्या नजर आएगा, क्लॉज, और क्लॉज के बाद क्या नजर आएगा, क्लॉज के बाद क्या नजर आएगा सब क्लॉज। अच्छा मैम एक बात बताइए, यहां पे कुछ लिखा है जनरली स्पीकिंग एनी नंबर इन ब्रैकेट आफ्टर सेक्शन इज रीड एज सबसेक्शन, है दोबारा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जनरली स्पीकिंग एनी नंबर इन ब्रैकेट आफ्टर सेक्शन इज रीड एज सबसेक्शन, लेकिन आगे क्या लिखा है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम इट मे बी रीड एज क्लॉज एंड दिस इज हैपन इन कंपनीज एक्ट, क्योंकि सेक्शन टू के बाद हम क्या नहीं पढ़ते सबसेक्शन, क्या पढ़ते हैं क्लॉज पढ़ते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी, समझ में आई बात। तो एक होगा हमारा सेक्शन, और क्या होगा सबसेक्शन, और क्या होगा क्लॉज, और क्या होगा सब क्लॉज, और क्या होगा प्रोविजो, क्या होगा जरा बताना प्रोविजो। तो ये तो हमें सेक्शन का पूरा, और कभी कभी हमें देखने को नजर आएगा एक्सप्लेनेशन, क्या नजर आएगा मैम जी एक्सप्लेनेशन क्यों आएगा जी, मैम जी एक्सप्लेनेशन का क्या रोल होगा बता सकते कोई बच्चा, एक्सप्लेनेशन क्यों इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये एक कोर्स ऑफिसर का कोर्स है, आप कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो वहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आपको पढ़ाऊंगी, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी आता है। आप जब सेक्शन 2 क्लॉज 51 पढ़ोगे, केएमपी की डेफिनेशन पढ़ोगे, की मैनेजरियल पर्सनल जो कि कंपनी के टॉप क्लास ऑफिसर होते हैं उसमें कंपनी सेक्रेटरी आता है। वहीं अगर पढ़ाई की बात करें तो आसान तरीके से अगर पढ़ोगे तो आप उस ऑफिसर की कैटेगरी में कैसे पहुंच पाओगे, 70,000 के आसपास कंपनी सेक्रेटरी हिंदुस्तान के अंदर, इसका मतलब नॉर्मल पढ़ाई करके हम नहीं बन सकते। आपको ये चीज पहले दिन से समझनी होगी कि आपको अपना दिमाग तेज करना होगा, और दिमाग सबका तेज हो जाता है वो करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय इतना बलवान है और समय इतनी अच्छी चीज है, आप जिस चीज को भी समय दे दोगे वो आपको नजर आती है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, जब तक आप चीजें नहीं समझोगे, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे, जब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं बनाओगे, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। एक और बात समझ लीजिए, अगर इस टाइम में आपने तरीके से पढ़ लिया, इन 3 साल में तुमने दिन रात मेहनत कर दी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दिए, तो आने वाली जिंदगी 3 साल आपको पता भी नहीं चलेंगे। आप पेन लेके खड़े होंगे साइन करने के लिए और कुछ बोल रहे होंगे मैं साइन कर देता हूं, क्यों मैं कंपनी सेक्रेटरी, आपको पकड़ गया कंपनी सेक्रेटरी हो गया पूरा, भाई साइन क्यों कर रहा हूं, पूरा हो गया
पूरा कितने साल में? 21 साल में, 21 साल में सीएस पूरा हो गया। अब तो और भी जल्दी हो सकता है, अब तो और भी जल्दी हो सकता है, कितनी भी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी आप चाहो। लेकिन दिन रात सुबह शाम आपको एक करनी होगी, आपको आग लगानी होगी। आग किस तरीके की आग लगानी होगी? नहीं घर जाके माचिस लगा दी, मैम ने कहा था आग लगानी है। ओ भैया जी मैंने पढ़ने के लिए बोला है, आपने मन में आग लगानी है आपको, मतलब आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए फिलहाल। इतनी क्यूरियोसिटी, इतना मोटिवेशन, इतनी ज्यादा जील, इतना मजा आपको आना चाहिए कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं हो। अब जैसे एक बच्ची यहाँ पढ़ के गई, मैंने बहुत समझाया, बहुत मोटिवेट किया, अगले दिन शादी थी, पहुंची चांदी चौक, मैं तो घाघरे लेने जा, ए नहीं ऐसे नहीं करना है। कोई भी जाए, कितनी खुशबू उड़े घर में, कितने परफ्यूम लगे, कोई कोट पैंट पहने, कोई घाघरा पहने, कोई कुछ पहने, कोई साड़ी पहने, आपको तैयार नहीं होना। आपको तैयार सिर्फ एक दिन होना है। किस दिन? सिर्फ एक दिन तैयार होना है आपको। वो दिन होगा आप ब्लैक कलर का वार्डरोब पहनोगे, टोपी लगाओगे, आपके मम्मी पापा साथ होंगे, आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, और बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपके मदर फादर से बोलेंगे कि आपके बच्चों ने इतिहास रचा है, आपके बच्चों ने एक वो काम किया है जो आम इंसान नहीं कर सकता, आपके बच्चों ने एक ऐसी डिग्री ली है जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। उस दिन आपके पेरेंट्स की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन खुशी के। और उस दिन के बाद आपकी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, उस दिन थोड़ी सी इज्जत आपकी होगी कि हाँ आप कुछ हो। अभी तो आप कुछ भी बोलोगे, आपकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं होगा, लेकिन उस दिन आपके माता पिता इतने हर्ष और उल्लास के साथ आंसू उनकी आंखों में आपको नजर आएंगे। देखना आपको भी ध्यान से, उनकी आंखों में वो आंसू आएंगे। उस दिन होना है आपको तैयार, उस दिन पहनना है आपको वार्डरोब, उस दिन पहनना ही वो ड्रेस इतनी खूबसूरत होती है कि उसको ऐसा मन करते घर लेके चले जाए, लेकिन कोई ले जाने नहीं देता, है ना, वो वही जमा करनी पड़ती है। वो इतनी खूबसूरत दिन होता है, उस लम्हे के लिए, उस पल के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उस दिन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। सोचो वो टाइम जब आएगा, और उस दिन आपके पेरेंट्स प्रॉपरली, लेकिन एक दिक्कत होगी, ब्रेकफास्ट जो है पेरेंट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन आपको भूख लगेगी नहीं उस दिन, समझना बात को। तो इट मीन्स वो दिन, वो लम्हा, वो पल जब आपकी जिंदगी में आएगा, उस पल के लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, उस पल के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उस दिन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब उस पल तक कोई कोई पहुंच पाता है, क्योंकि उस दिन तक पहुंचने के लिए जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, इतना सब कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, इतनी सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, मतलब हमें पता ही नहीं होता सुबह क्या है, शाम क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, शादी क्या, ब्याह क्या, फंक्शन क्या, दारू क्या, पार्टी क्या, कुछ नहीं पता आपको, कुछ नहीं पता। आप एकदम सीधे बच्चों, आपको पता ही नहीं सिगरेट क्या चीज होती है, कौन पीता है, लड़का पीता है, लड़की पीती है, आई डोंट नो, आपको कुछ नहीं पता। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपकी डिग्री। 3 साल आपने मेहनत करी, जल्दी पास होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी जिंदगी मजे से जी सकते हो, क्योंकि जब आप लेट हो जाओगे, जब आपकी उम्र हो जाएगी 26 साल, आपकी उम्र हो जाएगी 27 साल, आप फिर कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों एंजॉय नहीं कर सकते? क्योंकि उस समय आप एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाओगे, आपकी शादी होने वाली होगी, आप शादी के बंधन में बंधने वाले हो। लेकिन वही अगर आपने सीएस कर ली 21 साल की उम्र में कंप्लीट, तो आपके पास कितने साल होंगे? 3 से 4 साल, जिन 3 से 4 साल में आप एंजॉय कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने घर में अच्छे अच्छे तोहफे ला सकते हो, आप अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट ला सकते हो, आप अपने पापा के लिए गिफ्ट ला सकते हो, आप उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हो, आप उन्हें घुमाने ले जा सकते हो, आप जिंदगी के हर वो पल जी सकते हो जिसके लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? एक ऐसा मोमेंट आपके पेरेंट्स की लाइफ में आएगा और वो सिर्फ आप दे सकते हो। दुनिया की सारी चीज एक तरफ, दुनिया की सारी जो मेहनत है, जो पैसा है वो एक तरफ, करोड़ों रुपए एक तरफ, और आपका सिर्फ एक वर्ड कि मम्मी कि हाँ, कि पापा कि हाँ, कि मैंने सीएस पूरे कर ली। ये शब्द जो होगा ना उनकी जिंदगी के अंदर एक उमंग लेके आएगा। कुछ सालों बाद आप देखोगे आपके मदर फादर के चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, ऐसा लगेगा दोबारा से ये तो भाई साहब शाहरुख खान बनने जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी। आप देखना, रिलैक्सेशन आएगा उनको, उनको एक नई जील मिलेगी, जीवन में एक नया उमंग आएगी। आप समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी मदर एकदम एंजॉय करेंगी जब वो आईफोन लेके निकला करेंगी, वो भी दिया हुआ आपका, और वो भी कौन से वाला, जो लेटेस्ट वर्जन है, और फिर वो फोन पे ऐसे नहीं ऐसे बात करेंगी, ठीक है ना। हर एक पार्टी में जाएंगी, हर एक फंक्शन आप चाहे अटेंड करो ना करो, लेकिन आपके पेरेंट्स अटेंड करेंगे। ये सोर नो, क्यों अटेंड करेंगे? लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या, लॉजिक इसके पीछे? क्योंकि उनका बच्चा सीएस बन चुका है। कोई उनसे पूछे आपका बच्चा क्या कर रहा है? सीएस है। यस और नो? मजा आएगा ना घूमने जाने में। किसी की हाँ लेडीज संगीत है, वो जाएंगी रेडी होके आईफोन लेके, और वहां पे पूछेंगे आईफोन किसने दिया? मेरे बेटे ने दिया है, मेरे बेटे ने दिया है। वो क्या है? सीएस है।
मतलब शब्द ही ऐसा होगा जो सुन के एक बार गया तो किसी को पता ही नहीं होगा, ये तो बोलेंगे कंप्यूटर से, ए नो नो इट्स कंपनी सेक्रेटरी, यस और नो। तो ये एक वो टाइम है, पता है कितने साल इस टाइम को आने में, सिर्फ कितने साल बताइए, जल्द से कितने साल है, सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 साल। उसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, वो दिन के लिए हम यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, गॉट द पॉइंट एवरीबडी। उसके बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बीच में आप कभी पास होंगे तो कभी फेल, कभी खुशी होगी तो कभी गम होगा, गॉट द पॉइंट एवरीबडी। चलो आ जाओ वापस, जल्दी जल्दी बताओ, अब फटाफट से रिवाइज करना है। सेक्शन के बाद क्या होता है, और क्लॉज और सब क्लॉज, क्या बीच में प्रोविजो भी आ जाता है? यस, समटाइम प्रोविजो भी आ जाता है जब कुछ एक्सेप्शन देने होते हैं। ओके मैम, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैम जी एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपने हमें एक चीज दिखाई थी, मैंने कहा क्या, मैंने क्या दिखाया था जरा बताना, जरा मैंने आपने एक चीज, बियर नहीं है, बियर होता है एक्चुअली, गलती से बियर है, वैसे बेयर एक्ट होता है। बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है मैम? जैसे बेयर एक्ट चिल्लाते हैं सीएस के बच्चे, मैम बेयर एक्ट बोलते हैं। ये स्लाइव वाले बच्चों आवाज आवाज सही आ रही? हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जिंदाबाद, शाबाश। ओके, बेयर एक्ट का मतलब समझिए, जल्दी जल्दी बताओ बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? बेयर एक्ट अभी मैंने आपको दिखाया था, बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट, बेयर एक्ट एग्जिट टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर इनएक्टमेंट और स्टैट्यूट्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर, जो ओरिजिनल, अब मैं सिंपल भाषा में, इतना टफ नहीं आपको पढ़ना, सिंपल भाषा समझो, दिस इज अ ओरिजिनल लैंग्वेज विच इज पास बाय द पार्लियामेंट, विच इज पास बाय द लेजिस्लेचर। ओरिजिनल लैंग्वेज होती है लॉ की, जो यहां पे पास की जाती है। हम जो आपको पढ़ाते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ाते हैं, उसकी सिंपल लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन वही उसी के साथ हमें बेयर एक्ट भी पढ़ना आना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं और हम बात करेंगे कंपनी लॉ की। आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ? सिंपल सी वर्ड पे पहुंच जाते हैं और हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ। लॉ क्या होता है, किसे बोलते हैं लॉ? यस, लाइव में जो बच्चे हैं वो भी बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ, किसे बोलते हैं लॉ? यस कम ऑन रिप्लाई, लॉ का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड, सेट ऑफ रूल्स एंड, और लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए लॉ क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी, एंड किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे न्याय के लिए भी किसकी मदद ली जाती है? लॉ की। तो इसीलिए कानून बनाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इज डिस्कस्ड इन थर्ड लेक्चर, हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इज डिस्कस्ड इन थर्ड लेक्चर, टुडे इज द सेकंड लेक्चर विच इज एडवांस बेसिक क्लास। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका मतलब कंपनी की अगर हम बात करें, हम कंपनी टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, तो मैम आप ये बताइए, जैसे कंपनी लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कंपनी लॉ अभी 2013 जैसे एक्ट पास हुआ है, तो इससे पहले भी क्या कोई एक्ट था? मैंने कहा बिल्कुल था, दैट इज द 1956 से पहले 1913, मैम उससे पहले भी कोई था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, 1850 में भी था। लेकिन अगर हम बात करें इनके पिताजी माताजी कौन है, हमारे जो कंपनी एक 2013 है, इसके माताजी और पिताजी कौन है? तो वो है इंग्लिश लॉस, इंग्लिश लॉस, इंग्लिश कंपनीज एक्ट, वहीं से हमने चीजें उठाई हैं। इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट, एक्चुअल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था ही नहीं, इंडिया के अंदर एक्चुअल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ही नहीं देखा जाए तो। बहुत बारीकी से अगर देखें, इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंडिया के अंदर जनरली होता है फैमिली बिजनेस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फादर का बिजनेस है, टू सन्स है, बोथ सन्स आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, दे डायरेक्ट द एंटायर फैमिली बिजनेस, यस और नो? अगर आप देखो, यू जस्ट टू फाइंड आउट द टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट यू जस्ट टू सी इन अ वेरी पर्सनल व्यू, ऑलमोस्ट द फैमिली मेंबर्स मैनेज द कंपनी, यस और नो? आई एम राइट और रॉन्ग? So in India, basically a corporate, not a pure corporate structure, but most probably a Hindu undivided family business, but they are doing business in a corporate form, that's why the corporate laws are applicable, okay? Whenever you are doing, you are pursuing a job of a company secretary in a company and you are designated as a company secretary in a company and you are holding a position of CS, then you are not only responsible to comply the company law only itself. But there are various other laws which are applicable to the company. And it is a requirement, it is a duty, it is a compulsory duty of company secretary to adhere to follow the entire laws which are applicable to a company. Not even single companies act. In companies act, you become an expert and having a deep and pervasive knowledge of companies act. But rather than this, there are so many other laws are also there. Corporate laws, jise hum bolte hain, like SEBI Act 1992. If company is listed, then you have to know, go through all the provisions of SEBI Act 1992. And SEBI having a power to make their own regulations.
यू जस्ट टू एडर, यू जस्ट टू फॉलो द रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द सेबी. सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस का भी आपको पालन करना पड़ेगा. अगर एक कंपनी के अंदर फैक्ट्री चलती है और फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट का आपको नॉलेज. अब ये देखिए आपको कौन कौन से कानून पढ़ने हैं और किस किस कानून की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी एक्ट की तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए. अगर उस कंपनी की फॉरेन डीलिंग है तो फेमा एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. अगर वो कंपनी लिस्टेड है, शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, तो फिर लिस्टिंग रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए. उसी के साथ साथ अगर कंपनी के अंदर फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. कंपनी एक्ट के अंदर महिला मजदूर काम कर रही है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए. उसके साथ साथ उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. आपके यहाँ पे अगर मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, तो आपको ग्रेच्युटी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पीएफ एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. उसी के साथ साथ आपके अगर इंटेलेक्चुअल लॉस की बात हो रही है, डिजाइन है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो आपको ट्रेडमार्क एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पेटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉपीराइट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डिजाइन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. इसी तरीके से एक बड़ी लंबी सी लिस्ट हो जाती है और उन सभी कानून की आपको क्या दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, बेस दिया जाता है. और उन सबको गो थ्रू करने के बाद आप बनते हो एक प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, तब जाके बनते हो आप एक कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मंजिल इतनी आसान तो नहीं है, बट आसान बना लेंगे, क्योंकि मंजिल पे चलते जाओगे तो मंजिल अपने आप क्या होती जाएगी, आसान. अब यहां पे आपको नजर आया मीनिंग ऑफ लॉ. हमने कहा व्हाट डू मीन बाय लॉ, लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉ किसके लिए बनाया जाता है, सोसाइटी के. क्यों बनाया जाता है सोसाइटी के लिए, टू रेगुलेट सोसाइटी एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी. अब हम यहां पे बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी की. मैम जैसे कि कंपनी की बात करते हैं तो आप कंपनी के मीनिंग के बारे में बताइए. तो मैंने कहा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट. देखो मेरे लेक्चर में वही एडजस्ट हो सकता है जिसको एक्चुअल में पढ़ना है, वही यहां पे सूट कर पाएगा, उसे ये वही लेक्चर पूरा देख पाएगा जिसको एक्चुअल में पढ़ाई करनी है, और उसके बिना पढ़े वो आगे बढ़ नहीं सकता. तो सूटेबिलिटी उसे तभी हो पाएगी जब एक्चुअल में वो सही ढंग से एक एक शब्द को पढ़ेगा. मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, चाहे तो सीरियस होने की जरूरत नहीं, मजे भी लेना चाहिए क्लास में. तो शब्द शब्द करे सब कोई, आपको वाह वाह करना है बस, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाओ, एक शब्द मरम करे और एक शब्द करे घाव. वाह वाह तो करता ऐसे वहां ऐसे नहीं, सही से वाह करो यार, जोर से इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह. तो देखिए इधर, इट मींस अगर हम बात करें यहां पे एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, क्या वर्ड यूज किया इसने, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न प्रॉफिट्स. इसका मतलब सबसे पहले तो यहां एक कंपनी शब्द यूज हुआ, फिर उसके बाद वर्ड यूज किया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या यूज किया, हमने कहा व्हाट डू मीन बाय द पर्संस हियर, हमने पकड़ लिया शब्द को. व्हाट डू मीन बाय पर्संस हियर, इट मे बी आर्टिफिशियल पर्सन, इट मे बी नेचुरल पर्सन. जैसे कि मैंने बताया पर्सन का मतलब क्या है, हियर पर्सन देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्संस, वन इज अ नेचुरल पर्सन, सेकंड वन इज अ आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन. मैम नेचुरल पर्सन जैसे कि ह्यूमन बींग, और मैम आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी विच इज टू बी क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा जन्म हुआ है. और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या बताया मैंने, एक तो ह्यूमन बींग पर्सन, और एक हमारा जिनका जन्म लॉ के द्वारा हुआ है, लीगल पर्सन जिसे बोलते हैं. ओके मैम. अच्छा मैम जैसे हम अभी कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं या हम कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल कंपनी एक्ट इज अ ब्रॉडर टर्म इटसेल्फ एंड इट इटसेल्फ कवर कंपनीज एक्ट. तो मैम जैसे कंपनी एक्ट 2013 आया, तो मैम क्या उसके बाद भी उसमें कुछ चेंजेस हुए या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई, क्या ऐसा भी कुछ हुआ? मैंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल. अगर हम देखें सिनेरियो तो अप टू डेट अगर हम हो कंपनी एक्ट से, तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब होता है कि क्या क्या बदलाव आए. तो आपको जैसे कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, सेक्शंस तो पढ़ना ही है, साथ में प्रोविजो आपको पढ़ना है, सॉरी साथ में आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं सेक्शन के, आपको रूल्स पढ़ने हैं, आपको शेड्यूल्स पढ़ने हैं, आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, और इसी के साथ साथ अगर कोई नए क्या आती है अमेंडमेंट्स, तो वो भी आपको अप टू डेट होने चाहिए. अगर हम देखें अमेंडमेंट पे एक थोड़ी सी जस्ट एक नजर से देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017,
कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। अब जैसे मैं बच्चों को गो थ्रू करा रही थी, ये वाला एक्ट, ये वाला एक्ट, ये वाला अमेंडमेंट, ये वाला अमेंडमेंट, लेकिन नीचे एक वर्ड नजर आया, ऑर्डिनेंस। क्या आया? इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by ये amendments आए, ठीक है हमें समझ में आ गया, लेकिन मैम आप ये बताइए ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या होता है? What do you mean by the ordinance? Yes, anybody having any idea? किसने बोला ये? आपने बोला? क्या खा के आए हो आप आज? चपाती? भूखे पेट आए हो? कुछ नहीं खाते? क्या खा के आए हो? कुछ भी नहीं। चलो इधर देखो, बहुत सही बोला इस बच्चे ने, इसलिए मैंने पूछा। तो एक होता है बच्चों एक्ट और एक होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपने जरूर पढ़ा होगा, बताइए कहां पर? कौन बच्चा बताएगा ऑर्डिनेंस? कौन बच्चा बताएगा? जो बच्चा बताएगा उसको दी जाएगी एक चॉकलेट। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस कहां पढ़ के आए हो आप? सीएसडब्ल्यूटी में। कौन से चैप्टर में आपने पढ़ा है ऑर्डिनेंस? हाथ उठाना कितने बच्चों कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा आपने? हाँ पीछे बताओ कौन, सही तो बोल रहे हो। तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही ऑर्डिनेंस पढ़ाया था। ऑर्डिनेंस बेसिकली एक टेम्परेरी लॉ होता है। क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। और इसे टेम्परेरी लॉ क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में कानून जो पारित होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू, लेजिस्लेचर के थ्रू होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है और स्टेट में गवर्नर के पास भी होती है। अगर हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं तो उस समय अगर किसी कानून की जरूरत है तो वहां पे एक टेम्परेरी कानून बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जब दोबारा से रियूनाइट हो जाते हैं हमारे हाउसेस, दोबारा से पूर्ण दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस लॉ को खत्म कर दिया जाता है, ऑर्डिनेंस एबॉलिश हो जाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो इट मीन्स अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। क्या बोला मैंने? समझ में आई बात? क्या बोला मैंने जरा बताना? टेम्परेरी लॉ, टेम्परेरी लॉ। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपको, आपके मन में कोई सवाल नहीं आ रही लिस्ट देख के? बताऊंगी बाद में। एनसीएलटी एनसीएलईटी 2016 में नोटिफाई की गई थी, वो रूल्स में आई थी, ठीक है। और ये आपको देखिए जरा, अब यहां पे जो लंबी सी लिस्ट आपको नजर आ रही है इससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? कुछ सोचो इसके बारे में, कुछ सोचिए। अच्छा, और आपको कुछ ऐसा अटपटा सा नहीं लग रहा इसे देख के? आपको ये नहीं लग रहा 2013 एकदम नया एक्ट था, उसके अंदर अमेंडमेंट 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 अमेंडमेंट, ऐसा नहीं नजर आ रहा आपको? हाँ, क्या आपको फील नहीं हो रहा कि इतना नया कानून उसके अंदर इतने सारे अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ? सोचिए बच्चों, जहां सोच है वहीं आंसर है। शौचालय नहीं, जहां सोच वहीं आंसर। सोचिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए इस बात पे। इट मीन्स देर आर सो मेनी अमेंडमेंट एक्ट, वाई दिस अमेंडमेंट एक्ट? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। क्या बोला मैंने जरा बताना? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। इतना रूड बोलोगे? ऐसा पहली बार हुआ है 16। अरे यार कोई चीज तो प्यार से बोला करो। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अच्छा ठीक है, तो इट मींस ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। भाई और बहनों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये जो आपको स्क्रीन पे अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट नजर आ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश के अंदर जो सरकार आई वो थी मोदी जी की। और मोदी जी ने क्या किया? हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मोदी जी इंडिया में तो फैली, लेकिन फॉरेन कंट्री भी मोदी जी गए और मोदी जी ने कहा टॉम कि हाँ कि आप इंडिया आइए और इंडिया आकर बिजनेस करिए। क्या करिए?
मोदी जी ने अपने कंट्री में फॉरेनर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया और कहा आप हमारे देश आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे देश में आकर बिजनेस करिए, क्योंकि अगर आप हमारे देश में बिजनेस करने आओगे तो इससे हमारे देश की प्रोग्रेस होगी। होगी या नहीं होगी भाई और बहनों? क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कि नहीं होगा? क्या हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी? क्या हमारे देश की तरक्की होगी कि नहीं होगी? परंतु भाई और बहनों, मोदी जी का वादा पूरा नहीं चला और टॉम हिंदुस्तान बिजनेस करने नहीं आया। बहुत सारा डिस्कशन हुआ, मोदी जी ने कहा यारो जाओ पता लगाओ वजह क्या है, टॉम हमारे देश में बिजनेस करने क्यों नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी, उसकी वजह सिर्फ तुम हो, ये थी उसकी वजह। देखो जरा, वजह सिर्फ तुम हो, रैंकिंग, इट मींस रैंकिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये? मतलब हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के कहने के बावजूद भी लोग बिजनेस करने नहीं आ रहे, फॉरेनर इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? भाई और बहनों, इसकी वजह थी इंडिया की रैंकिंग। ये रैंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये रैंकिंग कॉन्सेप्ट होता है कि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर और बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर रैंक दी जाती है, और वो रैंक का काम करती है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज की लिस्ट बनाती है और उसके बेसिस पर रैंक देती है। अप्रॉक्सीमेट 180-190 के आसपास इंडिया पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जो रैंक के हिसाब से डेजिग्नेट है। इंडिया की रैंक बहुत अच्छी थी 2015 में, इतनी अच्छी थी, नीचे से बहुत अच्छी, नीचे से बड़ी अच्छी पोजीशन थी। आप ये बताइए, अगर एक व्यक्ति 1000 करोड़ रुपीस इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसकी रैंक चेक करेगा कि नहीं करेगा? और जब वो रैंक चेक करेगा और उसकी रैंक पता चलेगी कि नीचे से बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, पायदान पे है, तो क्या वो अपने हार्ड कोर मनी इन्वेस्ट करेगा? क्या चाहकर भी हिंदुस्तान में पैसा लगाएगा? तो भाई और बहनों, क्या हमें अपनी रैंक इंप्रूव करने की जरूरत है कि नहीं है? इसका मतलब यहां पे इस मुद्दे पे काम किया गया कि एक से लेके 190 कंट्रीज जो इस रैंक में आती हैं, हमारी कंट्री कौन से पायदान पे है, हमारी कंट्री कौन से स्थान पर है, हमारी कंट्री कौन सी पोजीशन पे है, तो इसके लिए काम किया गया। लेकिन इसके लिए काम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रैंक इंप्रूव कैसे होती है, ये रैंकिंग बनती कैसी है। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपका जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें ग्रेडिंग होती है, तो ग्रेडिंग कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर होती है, आपकी परफॉर्मेंस, एजुकेशन परफॉर्मेंस, आपकी क्लास परफॉर्मेंस, आपका एटिकेट्स, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेगुलरिटी, देर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स आर देयर अपॉन विच टीचर्स ग्रांट अ ग्रेड, यू आर ग्रेड वन और ग्रेड टू और वेरी पुअर और वेरी वेरी पुअर, वट एवर बी द सिचुएशन। सो इन द सेम एट द सेम टाइम यहां पे भी रैंकिंग होती है, और रैंकिंग के कितने फैक्टर्स होते हैं? 10 फैक्टर्स होते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 10 फैक्टर्स। आउट ऑफ द 10 फैक्टर्स द फैक्टर नंबर 1 इज स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या होता है पहले फैक्टर? लाइव स्टूडेंट्स एक बार जोरदार बताइए, क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिप्लाई करके जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि फिर मैं सारा का सारा टॉपिक रिवर्स करके आपको रिवाइज कराऊंगी। तो आप एक बार जरा जोर से बताइए, क्या आपको जितना मैं पढ़ा रही हूं वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर या ऑल क्लियर बच्चों? फेस टू फेस वाले बच्चों, ये क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मतलब पूरा खत्म, ऑल क्लियर मतलब कुछ समझ, क्लियर या ऑल क्लियर? 100%। चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ जी, लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार जरा बताइए, क्लियर या ऑल क्लियर? तो अब देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब स्टार्टिंग अ बिजनेस को ही मैं पॉइंट को आधार बना के, स्टार्टिंग अ बिजनेस को ही हम आधार बना के कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे कि क्या जरा समझो, अगर हम स्टार्टिंग अ बिजनेस को समझे बेटा, तो इसमें होता है, अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो है फर्स्ट पोजिशन पे थे।
अब फर्स्ट पोजीशन पे थी तो इस वजह से थी क्योंकि उनके यहाँ पे कंपनी एक दिन में बनके तैयार हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड है, वहां पे एक दिन में कंपनी बनके तैयार हो जाती है। इंडिया में कंपनी बनने में सालों लगते हैं, सालों लगते हैं। अब जब सालों इंडिया सालों तो नहीं पर हाँ 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इंडिया में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे की गई अमेंडमेंट्स, क्या की गई अमेंडमेंट्स। इन्होंने कहा कि ये बताइए कि कंपनी जो है वो कितने दिन में मिनिमम टू मिनिमम स्टार्ट हो सकती है। कंपनी एक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए और चेंजेस करके हमारी रैंक को क्या किया गया है, इंप्रूव। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसमें अब हम बेसिक स्ट्रक्चर कंपनी का समझेंगे। बहुत ही प्यार से आप जरा समझना बेसिक स्ट्रक्चर।